नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दम आलू बनाना। इसके लिए चाहिए हमें छोटे साइज के आलू। ये देखिए, मैंने छोटे साइज के आलू लेके एक सीटी लगा के उबाल के और पील करके रखे हैं। और चाहिए हमें सरसों का तेल, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है मैंने। और एक चम्मच डाला है जीरा। इसमें जीरा ब्राउन होने लग गया है, अब हम इसमें डालेंगे। एक बाउल में मैंने पहले से मसाला बना के रखा था, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें हमने पहले से घोल के रखी थी। अब मैंने ये ऑयल में इसे पका रही हूँ जब तक ये ऑयल छोड़ने ना लगे। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह ये मसाला भुन रहा है हमारा। अब इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच दही। दही डाल के भी हमें उस फिर से मसाला को पकाना है अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें मैंने रेड चिली, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। तो देखिए कलर कितना अच्छा इसका आ रहा है। और इन आलू में हमें इस तरह से छोटे छोटे कांटे की मदद से होल कर लेने हैं, छोटे छोटे छेद करने हैं सब में, ताकि मसाला इनमें अंदर तक पहुँचे। और मैं इसमें डालूँगी ये कसूरी मेथी, ये मैं डालूँगी बाद में, आप पहले अभी इस टाइम भी डाल सकते हैं इसे। तो मैं थोड़ी जब मसाला कोट हो जाता है इनमें उसके बाद डालती हूँ हमेशा। तो आलू बड़े टेस्टी बनते हैं ये। देखिए इसको आलू में मैं मसाले को मिलाती हूँ, तब तक मिलाते रहिए जब तक ये आलू कोट ना हो जाए ढंग से मसाले में। ये देखिए ठीक से इसको कोट होना ज़रूरी है। ये और ऑयल दिख रहा है ना आपको इसमें, तो मैं ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आलू में हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और ये पूरे मसाले में कोट हो गए आलू हमारे। अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, थोड़ा इस तरह से। कसूरी मेथी डालने के बाद हमें इससे किसी लिड की सहायता से बंद करके रखना है और लो फ्लेम कर देनी है गैस की। लो फ्लेम में हमें 15-20 मिनट इसे पकाना है, और बीच में एक बार ही आप हिला देना, नीचे से क्रिस्पी होना चाहिए आलू, तभी गैस हमने ऑफ़ करनी है। अब हमारे आलू बन चुके हैं, तो देखते हैं कैसे बने ये आलू। देखिए कितने अच्छे, इसीलिए मैंने मसाला कुछ ज़्यादा मात्रा में लिया था, गरम मसाला और कोरिएंडर ज़्यादा लिया। और चीज़ें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये लिया है मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें हरा धनिया अच्छा कलर देने के लिए और टेस्ट देने के लिए भी। और ये पराठे और पूरी किसी भी चीज़ के साथ आप खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। और व्रत में भी आप खा सकते हैं। नमक, नॉर्मल नमक की जगह आप सेंधा नमक डालिए इसमें, अगर व्रत में बनाना है तो आपको। तो देखिए हमारे आलू रेडी हो चुके हैं। अगर आपको, आप ट्राई कीजिएगा खाने के बाद, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।